महादेव जी ने जब कालकूट विष पान कर लिया ना, महादेव उस विष को पान करने के लिए बड़े सकुचा रहे थे। क्यों? क्योंकि शिव के हृदय में राम रहते हैं। अगर वो गले से नीचे उतारते हैं तो उनके इष्ट राम को कष्ट होगा। इसलिए उस कालकूट विष को केवल शिव ने ऐसे ओक लगाकर के पिया और केवल कंठ में ही रखा तो उनका कंठ उस कालकूट विष से नीला पड़ गया, उनका एक नाम पड़ गया, बोले नीलकंठ भगवान की। वही नीलकंठ भगवान रहने लगे ऋषिकेश से ऊपर। गए नीलकंठ, कितना डर लगता है जब गाड़ी चलती है, वहां बीच में रोड है, दाएं बाएं खाई, इधर गिरे तो खाई और इधर गिरे तो राम दुहाई, राम ही बचाए फिर तो तभी बच पाएंगे। बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना गाते थे ना पहले, बड़े धोखे हैं इस राह में, संभल के चलना। आपको कहीं कांटा नजर आए, कहीं कंकर पत्थर कोई गड्ढा नजर आए, कहीं कीचड़ आपको लग नजर आ जाए तो बड़ी सोच समझ करके आप पैर जमाते हैं, रखते हैं, फिसल न जाए, कहीं गोड़ा टूट जाए। न सास सेवा करेगी बहू की, ना बहू सेवा करेगी सास, पड़ी रहे, अच्छा हुआ। बड़ी सताती थी, बड़ी परेशान करती थी, अब पड़ी रहे। एक बहू ने एक बार एक सास से पूछा, अपने सास से, सासू जी मैंने देखा कि आप आजकल बहुत टेंशन में रहती हो, बड़ी नफरत निगाहों से गर्दन टेढ़ी करके गर्दन घुमा ली। हाँ आई बड़ी पूछने वाली, तुझे क्या चिंता हो गई? सास ने बहू से कहा कि सासू जी मैं ये देख रही हूं कि आप कुछ दिन से बहुत टेंशन में हैं, तो क्या चाहिए तुझे? बोले मैं ये सोच रही थी कि तिजोरी की चाबी तुम अपने लहंगा के नाड़े में बांध के घूमती हो इधर उधर, इसे मुझे ही दे दो, आप टेंशन मुक्त हो जाओ। सास कहती है खबरदार, अगर दोबारा तो नहीं ये बात करी तो मेरे धन पर नजर रखती है, मेरे बेटे पर तो नजर तूने रख ली पहले, मेरे बेटा तूने अपने काबू में कर लिया, आप मेरे अपने मेरे धन को भी काबू में रखना चाहती है? यही तो कलह का कारण है घरों में। जब बहू घर में आ जाए तो सास ऐसी हो जो अपने चाबी को तिजोरी को बहू को सौंप दे, तू जाने तेरा काम जाने, मुझे तो दो रोटी चाहिए, तो सुख से दो रोटी बुढ़ापे में मिल जाएंगी, बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा, नहीं तो फिर बुढ़ापा भी। सास बहू से कहेगी या बहू पर सास से कहेगी मत दे चाबी, अब तेरा बस का कुछ है नहीं, पड़ी पड़ी बस चार पाई पे कराती रहे, अब तो रोटी मिलेगी तब मिलेगी, पड़ी रहे। अगर आप अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हैं तो परिवार में प्रेम बनाना, बहू और सास में प्रेम बनाना, सास बनकर के मत रहना, सहज बनकर के रहना। मालकिन बन के रहोगे तो उतना ही कष्ट आएगा, घर के मालिक पर ज्यादा वर्णन होता है, इसलिए अपना वर्णन उतार के दे दो, बस ले, मुझे नहीं पता। अब मरी मैया ये जो मुझे पंडित जी घर पे लेके गए थे, मैं उनको यशोदा मैया कहता हूँ, सामने बैठी, नाम क्या इनका है, चलो जो भी है मेरी यशोदा मैया है। मैंने देखा अपनी बहुओं से बड़े प्रेम करते हैं, सब कुछ सौंप दिया, आराम से भजन करती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहू भी प्यार करती हैं सास से और सास भी बड़ा प्रेम करती है बहुओं से। तो ऐसी सहजता, ऐसी दीनता, इतना प्रेम घर में अगर रहेगा तो भगवान तुम्हारे घर में सदैव निवास करेंगे, क्योंकि भगवान तो वहीं रहते हैं जहां प्रेम होता है। कि बंधन बनो प्रेम से न्यारो, जामे परम
ईश्वर बंध जा। प्रेम की बंधन में बांधना सीखो, आपका प्रेम ऐसा हो जिसमें देवता भी बंध जाएं, मनुष्य भी बंध जाएं, घर के लोग भी सब आपसे जुड़ जाएं, आपको अच्छा कहें, आपके प्रेम के कारण वो कहीं ना जाएं, आप जहां भी जाएं सदैव आपको वो याद करें, उसी कहते हैं आपका प्रेम। प्रेम छोटा सा शब्द है प्रेम, लेकिन इस प्रेम में सुख भरा है। बोलो है कि नहीं? प्रेम में सुख है, दुख में सुख है, प्रेम में बोला करो। आप सब जानते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते, बोलेंगे तो पड़ोसी देखेगा क्या कहेगी, कल ताना मार देगी रास्ते में जाते हुए। अपने भावों को छुपाना नहीं, भगवान की द्वार पर कथा में कीर्तन में और तीर्थ यात्रा में भगवान की धाम में अगर जाओ तो अपना निर्मल भाव लेकर के जाना, अपने भावों को छुपाकर मत ला जाना और ना वहां से लेकर के आना, श्रद्धा का भाव लेकर के जाना। क्या क्या नहीं है तेरी मोहन इस गली में, श्रद्धा की फूल लाया भोले तेरी गली में, क्या क्या नहीं है भोले हे भोले तेरी गली। क्या नहीं मिलेगा वहां उस गली में जाकर के तो देखो, उस गली में आकर के तो देखो। महादेव ने जब कालकूट विष को पी लिया तो उनका कंठ नीला पड़ गया, क्योंकि नील कंठ कहलाने लगे, कंठ नीला और नीचे हैं राम, ऊपर हैं विष, तो एक नाम और पड़ गया विश्राम। बोले महादेव सरकार की, क्योंकि महादेव सबकी सुनते हैं, वो महादेव हैं जो सबकी सुनते हैं। अभी बात पता लगा कि आप सोचे कि महादेव तो शमशान की भस्म लगाते हैं, हाथ में डमरू रखते हैं, हाथ में त्रिशूल रखते हैं। अब डमरू को देख करके आपके मदारी समझने लग जाए तो वो बात अलग है, त्रिशूल को देख करके आप शिकारी लगने लग जाए, बोलने लग जाए, वो आपके बाप की बात अलग है। एक किसी भक्त ने गाया